students in class and today we can start our first lesson unit one, the moment and embodiment of justice. मैंने आपको पहले मीनिंग्स इसके लिखवा दी हैं. इफ यू वांट टू मेक अ रिपीट आई विल रिपीट देम. आई विल रिपीट ईच सेंटेंस थ्री टाइम्स एंड यू विल कंसंट्रेट ऑन द लेसन. हजरत मोहम्मद लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस पाइटी एंड सक्सेस in their individual as well as social. Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki zindagi ek mukammal namuna aur misal hai for the people, un logon ke liye who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा या जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ मुआशरती ज़िंदगी में अच्छाई गुडनेस अच्छाई के गुडनेस अच्छाई पाइटी तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. फिर एक दफ़ा सुन लें इसे. हजरत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर द पीपल who want to attain goodness, piety and success in their social, in their individual as well as social life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki zindagi un logon ke liye ek mukammal namuna aur misal hai jo apni infiradi zindagi ke sath sath muashrati zindagi mein achhai taqwa aur kamyabi hasil karna chahte hain. Next sentence hai, people can seek light from the message and guidance. Log roshni talash kar sakte hain paigham se aur rehnumai se, from his life unki zindagi, to achieve perfection takmeeliyat hasil karne ke liye in the moral, spiritual and social areas of life. Ab isko main ek saath karungi. इन द मॉरल होगा इखलाकी स्पिरिचुअल रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ और माशरती जिंदगी के माशरती पहलू. अब जब हम एक सेंटेंस की तरह अरेंज करेंगे तो हमें बोलना है पीपल कैन सी लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइड फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ. लोग अपनी लोग जिंदगी के इखलाकी रूहानी और माशरती पहलुओं में तकमीलियत हासिल करने के लिए उनकी जिंदगी से पैगाम और रहनुमाई की रोशनी हासिल कर सकते हैं या पैगाम और रहनुमाई की रोशनी तलाश कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है ही हैज सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. उन्होंने अपनी अमली मिसाल के जरिए निहायत आला और शानदार मयार कायम किए फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम बनी हुई इंसान फॉलो के पैरवी करने एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में पैरवी के. अब जब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमें कैसे कहना है. ही हैज सेट high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. Unhone ya aap sallallahu alaihi wasallam ne tamam bani hui insaan ki khatir aapne pehle for all mankind isko translate kiya. Unhone ya aap sallallahu alaihi wasallam ne tamam bani hui insaan ki khatir zindagi ke har shobhe mein pairvi ke liye निहायत वेरी हाई पे आएंगे, निहायत आला और शानदार मयार कायम किए. सॉरी, इसको दोबारा हमने करना है कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी हुई इंसान की खातिर जिंदगी के हर मैदान में पैरवी के लिए अपनी अमली मिसाल के जरिए निहायत आला और शानदार मयार कायम किए। रिपीट कर रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी हुई इंसान की खातिर जिंदगी के हर मैदान या जिंदगी के हर शोबे में पैरवी करने के लिए अपनी अमली मिसाल के जरिए निहायत आला और शानदार मयार कायम किए। इस पूरे पैराग्राफ को थोड़ा फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। हज़रत मोहम्मद्स लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर द पीपल हु बॉर्न टू अटेन गुडनेस वाइटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इंफरादी जिंदगी के साथ साथ माशरती जिंदगी में अच्छाई तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट फॉर मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग जिंदगी के ये लास्ट से आप लोगों ने करना है लाइफ से बैकवर्ड चलना है ठीक है। लोग जिंदगी के इखलाकी रूहानी और माशरती मैदानों में या शोबों में ठीक है तकमीलियत हासिल कर सकते हैं। सुन लें कि लोग जिंदगी के इखलाकी रूहानी और माशरती पहलुओं में तकमीलियत हासिल करने के लिए उनकी जिंदगी से पैगाम और रहनुमाई की रोशनी हासिल कर सके। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बनी इंसान के खातिर जिंदगी के हर मैदान या जिंदगी के हर शोबे में पैरवी के लिए अपनी अमली मिसाल के जरिए निहायत आला और शानदार मयार कायम किए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर टू। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमली तौर ठीक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया दैट के No one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. Ke Allah Qadre Mutlik ke Rasul se badh kar koi bhi adil aur munsif nahi ho sakta. Phir sunein. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह कादर मुतलिक के रसूल से बढ़कर मुनसिफ आदिल और मुनसिफ नहीं हो सकता। जस्ट होगा आदिल और इक्विटेबल होगा मुनसिफ। एज अ यंग ट्रेडर एक नौजवान ताजर की हैसियत से ट्रेडर ताजर एक नौजवान ताजर की हैसियत से He earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार honest ईमानदार fair मुनसिफ just आदिल कारोबारी शख्स के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल की। As a young trader, he earned the good reputation of Being an honest, fair, and just businessman, एक नौजवान ताजर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार मुनसिफ और आदिल कारोबारी शख्स के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings with all people.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ फेयर, यहाँ पे फेयर का मीनिंग आप लोगों ने आदिलाना लिखा, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ आदिलाना और जस्ट मुनसिफाना, आदिलाना और मुनसिफाना लेन देन रखे। फिर सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ आदिलाना और मुनसिफाना लेन देन या मामलात, डीलिंग मामलात भी कैसे रखे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the cornerstone. जब काबा की तामीर आ रही थी तो के हवाले से लोगों ने एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ, इसमें कि जब काबा की तामीर की जा रही थी तो हजरत के हवाले से रिगार्डिंग हजरत के हवाले से लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत को मिस करने के लिए नहायत मुनसिफाना, इक्विटेबल मुनसिफाना मंसूबा तजवीज किया। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत के नहायत मुनसिफाना मंसूबा तजवीज किया। This pleased everyone. हर एक खुश हुआ, इस तजवीज से हर एक खुश हुआ। And saved them from a tribal conflict, और उनकी एक बड़ी जगह से बचा लिया, और उनकी एक बड़ी जगह से बचा लिया। Concentrate. हजरत जब काबा की द मोस्ट इक्विटेबल प्लान ही एडवाइज्ड द मोस्ट प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद को नस्ब करने के लिए नहायत मुनसिफाना मंसूबा तजवीज किया। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। इस तजवीज से हर कोई खुश हुआ और उन्हें एक कबायली जुबे से बचा लिया। थर्ड पैराग्राफ। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात का फैसला इंसाफ और बराबरी के मियार पर किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। अब इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ। इरिस्पेक्टिव होगा बालातर होकर, कलर, रंग, क्रीड, मजहब, रेस, नस्ल, ठीक है। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लास्ट वाली लाइन को पहले कर लिया। आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग मजहब और नस्ल से बालातर होकर तमाम मुकदमात का फैसला इंसाफ और बराबरी के साथ या बराबरी के मयार पर किया। फिर सुन लें, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग मजहब और नस्ल से बालातर होकर तमाम मुकदमात का फैसला इंसाफ और बराबरी के मयार पर किया। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी के जुर्म में पाई गई या चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh. कुछ लोग कुरैश खानदान, ये लास्ट फैमिली ऑफ द कुरैश से हम करेंगे, कुछ लोग कुरैश खानदान की इज्जत या कुरैश खानदान के वकार को बचाने की गर्ज से उसे सजा से बचाना चाहते थे। सुन लें, कुछ लोग कुरैश खानदान की इज्जत को बचाने की गर्ज से उसे सजा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, वो इंटरसीड On her behalf, लेकिन उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वो उनकी उसकी तरफ से सिफारिश करें। इंटरसीड होगा सिफारिश करना। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसे माफ़ कर दें। The Rasul sallallahu alaihi wa sallam very furiously said, Rasul sallallahu alaihi wa sallam ne nihayat narazgi se farmaya, Bani Israel was ruined because of this, Bani Israel isi wajah se tabah ho gayi thi. They applied law to the poor and forgave the rich. Wo gareebon par kanoon lagu karte the aur ameeron ko maaf kar dete the. I'll repeat again this paragraph. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. Riyasat-e-Madina ke sarbarah ki haisiyat se aap sallallahu alaihi wasallam ne rang, mazhab aur nasl se balatar hokar tamam muqaddimat ka faisla insaaf aur barabari ke mayar par kiya. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी के जुर्म में पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. कुछ लोग कुरैश खानदान के वकार या कुरैश खानदान की इज्जत को बचाने की गर्ज से उसे सजा से बचाना चाहते थे। They asked Hazrat Usama bin Zaid رضی اللہ تعالیٰ عنہ to intercede on her behalf. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वो उसकी तरफ से सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिक्वेस्टेड द रसूल टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसे माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत नाराज़गी से फरमाया, Bani Israel was ruined because of this. Bani Israel isi wajah se tabah ho gayi thi. They applied law to the poor and forgave the rich. Wo gareebon par kanoon lagu karte the aur ameeron ko maaf kar dete the. Fourth paragraph. During the sermon hai khutba. During the sermon, खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू थलवा सिटिंग देयर, यहाँ तक पहले ठीक है। खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनू सलवा के कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखा, स्टूड अप तो उठ खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स देम और उनकी तरफ इशारा किया, एंड सेट और कहा, फिर दोबारा सुन ले, के खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनू सलवा के कुछ लोगों को या कुछ आदमियों को वहाँ बैठे देखा तो उठ खड़ा हुआ,
और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। उनके आबाओ अजदाद, इंसेस्टर्स क्या हैं, आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को मार डाला था या हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द का कत्ल किया था। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले उनमें से एक को फांसी लगवा दें। हैंग्ड होगा फांसी लगवाना। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, के बाप का इंतकाम, रिवेंज इंतकाम भी हो सकता है, बदला भी हो सकता है, बाप का बदला या बाप का इंतकाम बेटे से नहीं लिया जा सकता। दोबारा एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर रही हूँ। ड्यूरिंग द सर्मन एंड अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू थलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड, खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनू सलबा के कुछ आदमियों को वहां बैठे देखा तो उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ए अल्लाह के रसूल, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को मार डाला था। ही अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज ऑफ दैट, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से एक को फांसी लगा दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। पैराग्राफ नंबर 5। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे, दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम, दैट इवन के हत्ता के यहूदी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या जो उनके सख्त दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लेकर आते थे। सुन लें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी जो उनके सख्त दुश्मन थे अपने मुकदमात उनके पास लेकर आते थे, एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उन मुकदमात का फैसला करते थे। एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उन मुकदमात का फैसला करते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म का सख्ती अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से अमल किया या अल्लाह के हुक्म की सख्ती से पैरवी की, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से अमल किया। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, इधर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फैसला करो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मुदाखलत से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार करते हो, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, अगर तुम इनकार करते हो तो वो तुम्हें या वो आपको ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला करते हो, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, उनके दरमियान बराबरी का फैसला करो। फॉर अल्लाह लव दोस्त, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन इक्विटी, जो बराबरी का फैसला करती है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice. Rasul sallallahu alaihi wasallam apne insaaf ke liye is qadar mashhoor the that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him.
कि यहूदी जो उनके सख्त दुश्मन थे अपने मुकदमात उनके पास लेकर आते थे एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द जूश लॉ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करते थे. ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से अमल किया. इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, इधर जज बिटवीन दैम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या तो उनके दरमियान फैसला करो या मुदाखलत से इनकार कर दो. इफ़ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, अगर तुम इनकार करते हो तो वो आपको ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते. इफ़ यू जज, अगर आप फैसला करते हैं, जज इन इक्विटी बिटवीन दैम, उनके दरमियान बराबरी का फैसला करें. और अल्लाह लव दोज़ जज इन इक्विटी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बराबरी का फैसला करते हैं. पैराग्राफ नंबर 6. जस्टिस डिमांड्स दैट, इंसाफ तकाजा करती है दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस. इंसाफ तकाजा करती है कि इसे तमाम हालात सर्कमस्टांसेस हालात में, ठीक है, कि ये तमाम हालात ने कायम रखनी चाहिए. इंसाफ ये तकाजा करती है कि इसे तमाम हालात में कायम रखना चाहिए. इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ, खा ये किसी के अपने, वंस ऑन सेल्फ होगा किसी के अपने और वंस फैमिली या किसी के खानदान और रिलेशंस या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो. फिर सुन ले, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशंस, खा ये किसी के अपने या किसी के खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो. ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी तमाम तर ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड अदर पीपल्स अफेयर विद जस्टिस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मामलात का इंसाफ से फैसला किया एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, के आदिल बने. फिर सुन लें, ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट. अपनी तमाम तर ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मामलात का फ़ैसला इंसाफ से किया और अपने साथियों से फरमाया कि आदिल बने. इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, व्हेन टू मेन कम टू यू, व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट, अगर दो आदमी आपके पास फैसले के लिए आते हैं, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के, किसी भी एक के हक में फैसला ना दे. कि व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, जब दो आदमी आपके पास फैसले के लिए आए तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी भी एक के हक में फैसला ना करें. इट इज़ देन मोस्ट लाइकली देन यू विल नो द ट्रूथ, ये तब ये मुमकिन है कि आप हकीकत को जान जाएंगे या सच्चाई को जान लेंगे. ये तब ही मुमकिन है कि आप हकीकत को जान लेंगे. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्टेड अल्लाह रसूल एज सेइंग, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, एनी रूलर और जज, कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ, या आप जज का वर्ड आप जज में भी लिख सकते हैं, कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पीपल, ऑन द पुअर द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट,
जो अपना दरवाज़ा गरीबों, ज़रूरतमंदों और महताजों पर बंद कर देता है, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर्स ऑन हिम, अल्लाह उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, देन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब वो ज़रूरतमंद और महताज हो जाता है। दोबारा सुन, justice demands that it should be upheld in all the circumstances. انصاف تقاضا کرتی ہے کہ اس کو تمام حالات یا اسے تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے. Even if it goes against one's own self or one's family or relations, خواہ یہ کسی کے اپنے یا اس کے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. اپنی تمام تر زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے معاملات کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ وہ عادل بنے. It is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا, When two men come to you, never for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی بھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں. It is then most likely that you will know the truth. یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ حقیقت یا سچائی کو جان جائیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, کہ کوئی بھی حکمران یا جج یا منصف جو اپنا دروازہ غریبوں, ضرورت مندوں اور محتاجوں پر بند کر دیتا ہے, اللہ closes his door on him, اللہ اپنا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے, جب وہ when he becomes needy and destitute, جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے.